लंबे चले प्रचार अभियान के बाद आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में मुस्लिमों के खिलाफ जमकर हमला बोला था। ट्रंप के चुनावी कैंपेन शुरू होने से लेकर राष्ट्रपति चुने जाने तक अमेरिका में मुस्लिमों के खिलाफ हेट क्राइम 67% बढ़ गए हैं। FBI ने एक रिपोर्ट जारी की है, इसमें बताया गया है कि देश में मुस्लिमों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव के 257 मामले सामने आए हैं, जो कि साल 2014 की तुलना में 67% ज्यादा है। देश में नस्लीय भेदभाव के आधार पर होने वाले अपराधों में कुल 6.8% की बढ़ोतरी हुई है। इनमें से सबसे ज्यादा मामले मुस्लिमों के खिलाफ सामने आए हैं। साल 2014 में मुस्लिमों के साथ नस्लीय भेदभाव के 154 मामले सामने आए थे। गौरतलब है कि अमेरिका में 9/11 के बाद 2015 में मुस्लिमों के साथ भेदभाव के सबसे ज्यादा मामले हैं। साल 2011 में मुस्लिमों के साथ होने वाले भेदभाव के 481 मामले दर्ज किए गए थे। टाइम के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव वाले दिन ही सदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर में नस्लीय आधार पर भेदभाव के कुल 200 मामले दर्ज किए गए थे। खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिमों के खिलाफ दिए गए भाषण इसकी बहुत बड़ी वजह है। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।